100 लोगों के जगह पे 500 लोग चढ़े हुए हैं। मैं सोच रहा था कि वो वॉशरूम जा रहे हैं, वो वॉशरूम में खाना खाने गए हैं। चढ़ने और उतरने के लिए स्पेशल रास्ता। अभी हम लोग 18 घंटे हो गया ऐसी खड़े हैं। सामान रखने की जगह, इंसान। अपनी हालत जो है ना मंदिर के घंटे की तरह हो गई है, जो आ रहा है बजा के जा रहा है। वैष्णव जी कचू जे घाटे में चला है, ये घाटा है यो। देखो तभी ये सब पैसा कहाँ जाए, हमारा जेब में कि तोरा जेब में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। मैं हूँ संजीव और आप देख रहे हैं देश दुनिया देख, और अभी मैं हूँ लखनऊ स्टेशन पे, और आज की अपनी जर्नी होने वाली है जनसाधारण एक्सप्रेस में। तो चलिए शुरू करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। गाड़ी का अनाउंसमेंट हो चुका है और गाड़ी एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है। जनसाधारण एक्सप्रेस की खास बात है कि भाई इसके सारे डब्बे जो हैं जनरल है, लेकिन ये गाड़ी जो चलती है वो राजधानी जैसी चलती है, मतलब इसके स्टॉपेज होने वाले हैं बहुत ही कम। और यह गाड़ी 999 किलोमीटर की जर्नी, मतलब 1000 किलोमीटर की जर्नी तय करती है केवल 8 हॉल्ट के साथ, जैसा कि राजधानी करती है। हमारे ट्रेन का अराइवल हो रहा है, आइए अराइवल देखते हैं। और भाई इस ट्रेन में चढ़ना ही अपने आप में एक बहादुरी वाली बात होने वाली है। भाई साहब लोग वॉशरूम में भाई सफ़र कर रहे हैं, हम आगे से चल के आ रहे हैं और पीछे तक पहुंचने वाले हैं, और भाई कहीं भी स्पेस नहीं है जहां पे हम चढ़ पाएँ। भाई चढ़ने और उतरने के लिए स्पेशल रास्ता जनसाधारण एक्सप्रेस का। और भाई ज़रा देख लीजिए एक बार क्या हालत है इस ट्रेन की। जनसाधारण एक्सप्रेस भाई भाई हालत ऐसी है कि हिल भी नहीं सकते। दिल्ली से चलने के बाद ये इसका दूसरा हॉल्ट है। पहला हॉल्ट था मुरादाबाद, दूसरा हॉल्ट है लखनऊ, और उसमें हालत है इस गाड़ी की ऐसी। आप थोड़े नीचे न जाओ, ऊपर न जाओ तो कहाँ रखें भाई? देख लीजिए खाली भाई, पता भी नहीं चल रहा है कि किसी का चेहरा है। यार क्यों नहीं जाने देंगे यार, भाई चले जाओ भाई, चले जाओ। आदमी और सामान में कोई अंतर नहीं है, आदमी भी यहाँ पे सामान बना हुआ है। देख लीजिए यह सामान तो है ऊपर टंगा हुआ, और इंसानी सामान नीचे टंगे हुए हैं भाई। किसी के बैठने की जगह नहीं है, सारे खड़े हैं, या फिर जो बैठे भी हैं बेचारे वो दिखाई भी नहीं देंगे कि आपको बैठे कहाँ पे हैं। देख लीजिए हालत, मनोरंजन जो है ना चारों तरफ है, एकदम हर तरफ एक्शन सीन चल रहा है भाई। भाई लड़ाई चालू, आपको गर्मा गर्म बहस इसमें देखने को मिलेगी। भाई जो रोज शाम को टीवी पे आके जो चिल्ला चिल्ली करते हैं ना, उसमें कुछ मजा नहीं है, असली मजा तो इधर है। क्या मजा आ रहा है पंडित जी, इतना भीड़ में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। वाह वाह वाह, ये है हमारी इंडियन पब्लिक, हर चीज में एंजॉय करती है, पूरा एंजॉय ले लेते हैं, पूरा एंजॉय करती है। इनसे पूछा जा रहा है कि इतना भीड़ में आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हम फुल एंजॉय ले रहे हैं। सारी रात जो है आपको ऐसे ही खड़े होके गुजारना है। अभी हम लोग 18 घंटे हो गया ऐसे ही खड़े हैं। 4 बजे 1:30 बजे चढ़े हैं। अच्छा, और सुबह 7:30 बजे उतरेंगे, पूरा ऐसे ही 18 घंटा जाएंगे। सामान रखने की जगह, इंसान। आप लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग जा रहे हैं गेहूँ काटने। कोई ठीक नहीं है, कोई ठीक नहीं है। रेल मंत्री या रेल मंत्रालय से कुछ कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, हम लोग चाहेंगे कहना कि व्यवस्था मिले सही, और क्या कहना चाहेंगे। और एक दो खोलना चाहिए ना ऐसा गाड़ी, तब तो और आराम रहेगा। वैष्णव जी कचू जे घाटे में चला है, ये घाटा है यू। देखो तभी ये सब पैसा कहाँ जाए, हमारा जेब में कि तोरा जेब में, बता बता। भाई इनके कहने का मतलब है 100 लोगों के जगह पे 500 लोग चढ़े हुए हैं।
और एक डब्बे में 500 लोग चढ़े हुए हैं। बाकी इस तरह के भाई आप सोच लीजिए, लगा लीजिए कि इसमें कितनी बोगियां हैं और कितने लोग चढ़े होंगे। हालत ऐसी है कि हम लोग जस्ट गेट से चढ़े हैं और गेट से चढ़ के बस 4 कदम आए हैं भाई। वॉशरूम है यहाँ पे, लेकिन वॉशरूम में दो बंदा बैठा है। तो वॉशरूम में बाथरूम बंद है, एक बाथरूम बैठा है उसमें। अच्छा हाँ, ये वो में आना जाना चालू है। जिसको जोर की आई हो ना एक या दो, वो इधर ही हो जाना है। आप लोगों के लिए एक खास हिदायत, अगर आप इस ट्रेन में जर्नी करना चाहते हैं तो बिना खाए पिए यात्रा करें, क्योंकि अगर आप खाएंगे तो 2 नंबर जाएंगे, जो कि संभव नहीं है, और पानी पिएंगे तो भी जाएंगे 1 नंबर। और के पास बैठना पड़ेगा। खाली बोतल लेकर चलें भाई, पहले पिए और फिर जो है उसी बोतल का यूज करें। बाकी आप समझदार हैं। केवल जेंट्स को नहीं है, लेडीज को सबसे ज्यादा तकलीफ है। आप सोच सकते हैं कि ये कुछ लेडीज मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, कैमरे में आ रहा होगा कि वो लोग वॉशरूम गई थी। अब वो लोग जाते जाते तो गई हैं, लेकिन भाई आने में सबसे बड़ी तकलीफ है। शायद बहुत लोगों को हंसी आ रही हो, लेकिन भाई ये हंसने वाली बात नहीं है, ये बहुत तकलीफ है। जाइए देने से कौन सा तकलीफ से गुजर रहे हैं जो हम जानते हैं भाई। देखिए पता भी नहीं चल रहा है कि कौन किसके पैर के ऊपर पैर रख रहा है। एक सबसे बहादुर इंसान को मैं दिखा रहा हूँ इस पूरे डब्बे में, जो कि चल के आ रहा है। हाँ, वो हरा वाला डब्बा वाला को आने दीजिए। देखिए वेज बिरयानी बेच रहा है भाई, एक हॉकर है जो सामान बेचने के लिए आ रहा है। भाई किस हालत में आ रहा है जरा देख लीजिए आप। अभी चल रहे हैं वो, कितने बजे टाइम कितना हो गया बता देते हैं। 11 बजे वेज बिरयानी बेचा जा रहा है, ये ऐसी परिस्थिति में भाई इस बंदे को जो है ना सैल्यूट करने का मन कर रहा है। सैल्यूट करने के लिए हाथ खाली नहीं है। ठंडा पानी 10 रुपए की एक, 20 रुपए का भाई ठंडा पानी भाई। मुंबई आ गए मुंबई। इसमें से कोई हॉकर नहीं है, सारे पैसेंजर हैं और सारे जा रहे हैं। बस केवल बोर ना हो और बोरियत ना हो, परेशानी ना हो, इसीलिए इंजॉय कर रहे हैं। पानी ले ले। आईपीएल से ज्यादा कमेंट्री यहाँ पे हो रही है। भाई आप क्या करते हैं जरा बता दीजिए। हम क्या करते हैं, सफर कर रहे हैं। सफर कर रहे हैं और क्या करते हैं, और एंजॉय ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल सुपर है। क्रिस आ रहा है, ये हमारे जनसाधारण एक्सप्रेस के क्रिस हैं। तो खाना पहुंचा रहे हैं भाई। आप बहादुर हो यार सचमुच, खाना पहुंचाते रहो ऐसी। अरे आंटी छोड़ दीजिए उसको, छोड़ दीजिए, वो बेचारा बेच रहा है, जगह नहीं। ऋतिक रोशन का भाई है वो, क्रिस फोर। भाई क्या बेच रहे हो आप? सादा खाना। चलो आ जाओ आ जाओ। पेंट्री के स्टाफ हो? हाँ भाई है। 60 रुपया में वेज बिरयानी बेच रहा है, सोयाबीन वाला है भाई। कुछ उपाय नहीं है, इस भीड़ में बेच दे रहा है, वही सबसे बड़ी बात है। सामान और आदमी और उसका खाली माथा। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा। इस ट्रेन में तो आपको सबको पता है कि केवल जनरल कोच हैं, तो मैं आपको इसका किराया बता देता हूँ। दिल्ली से दानापुर 275 रुपये अगर आप जर्नी करते हैं तो। इस ट्रेन में दयनीय स्थिति है, और वो मैं क्यों बोल रहा हूँ एक मिनट आपको दिखाता हूँ। एक बच्चा जो है खाने की कोशिश कर रहा है, और वो भी खड़े खड़े। सोच लीजिए कोई उपाय नहीं है भाई, जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते खाने का, वहाँ पे एक बच्चा खाना खा रहा है। अहम काम खाना भी आप नहीं खा सकते हैं ढंग से। छोटा खा, आराम से खा, कोई उपाय नहीं है, खा लो। अपनी हालत जो है ना मंदिर के घंटे की तरह हो गई है, जो आ रहा है बजा के जा रहा है। कहने का मतलब है कि भाई जो वॉशरूम आ रहा है वो सीधे पैर के ऊपर पैर रख के और मज़े से जा रहा है। मेरा पैर कहीं और है, मेरा शरीर कहीं और, जो कि मैं दिखा भी नहीं सकता। 602 किलोमीटर की जर्नी तय करने के बाद यह ट्रेन पहुंच चुकी है गौरीगंज, और पहुंची है 17 मिनट की देरी से। लेकिन भाई कोई उपाय नहीं है, क्योंकि मैं नीचे उतर ही नहीं पाऊँगा। यहाँ पे इस ट्रेन का केवल 2 मिनट का ऑफिस हॉल्ट है, तो भाई इसमें उतरना बेवकूफ़ी है। शुरू में जाने के लिए लड़ाई देखी भाई वॉशरूम में। भाई साहब मैं सोच रहा था कि वो वॉशरूम जा रहे हैं, वो वॉशरूम में खाना खाने गए हैं। सही वो गए
उसी में वो लगभग 3-4 घंटे पहले बैठे रहे, उसी में खाना खाएंगे। उस आदमी को इतनी जगह नहीं मिली कि वो बाहर खा सके, वो वॉशरूम में खाना लेकर गया है खाने के लिए। सोच सकते हैं भाई, 16 किलोमीटर की जर्नी तय करके यह ट्रेन पहुंची है अमेठी, और यह पहुंची है 20 मिनट की देरी से। और भाई कोई उपाय नहीं है कि मैं आपको उतर के स्टेशन दिखा सकूं। फिलहाल आप ऐसे ही देख लीजिए, और जैसी स्थिति थी वैसी स्थिति है, स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। झगड़ा और झमेला तो बस चल रहा है, लड़ाई होते रहेगा, ट्रेन में रुकेगा नहीं वो काफिला। 2 मिनट के होल्ड के बाद अब हमारा डिपार्चर हो रहा है अमेठी से, और हम पहुंचे थे 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे। आदमी खड़ा कहाँ होगा, फालतू बस कर रहे हैं, यही तो है ट्रेन, मतलब बुक छोड़ो किसी का, क्या खड़ा है बोला ये घर का, नहीं नहीं सब फोर व्हीलर बुक कर लीजिए। मतलब कल सुबह 7:20 से कंटिन्यू बैक टू बैक जर्नी किए जा रहे हैं, और अभी जिस हालत में है हम देख ही रहे हैं, शरीर के ऊपर शरीर, और किसका पैर कहाँ है कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरा एक पैर कहीं और तो दूसरा कहीं और है, और भाई पूरी तरीके से थक चुके हैं। इसीलिए सामने अब आ रहा है बनारस, वहाँ पे करने वाले हैं डिबोर्ड, क्योंकि ट्रेन की जो स्थिति है फिर से दिखा दे रहा हूँ, लगभग 3:15 बजने वाले हैं सुबह के, और देखिए हालत, और ये हालत सब जगह है। मेरे पीछे भी देख सकते हैं, मेरे बाएं देख सकते हैं, मेरे दाएं देख सकते हैं, भाई लोग ही लोग। जल्दी से बनारस आए और हम उतरे, देख लीजिए वंदे भारत खड़ी है और उसकी सर्विसिंग हो रही है। 779 किलोमीटर की जर्नी तय करने के बाद हम पहुंच रहे हैं बनारस, और वो भी बिना किसी देरी के। भाई ट्रेन बहुत जबरदस्त चली है, बहुत जबरदस्त। दिल खोल लो, पानी मार लो, आँख पे सांस में सांस आई। भाई ऐसा लग रहा है ना कि हमने एक बड़ी लड़ाई जीत ली है, इसमें से बाहर आ गए। बता दे इस ट्रेन का नंबर 13258 जनसाधारण एक्सप्रेस, यह आनंद विहार से खुलती है 1:35 दोपहर में, और अगले दिन सुबह 7 पहुँचाती है दानापुर। इसके टोटल हॉल्ट होते हैं 8, और बनारस इसका 5वां हॉल्ट है। मैंने जो वीडियो में आपको हालत दिखाई अपने कोच की, केवल एक कोच की हालत नहीं थी भाई, सब कोच की हालत वही है। देख लो भाई, कहाँ से आ रहे हो भाई? आनंद विहार से। कहाँ तक जाओगे? दानापुर। भाई साहब आप देख लीजिए, पूरी पैक है ट्रेन। इसमें सफ़र करना मतलब यातना झेलना, सजा काटना, किसी बड़ी सजा से कम नहीं है इसका सफ़र। और मैं केवल आपको दिखाने के लिए आगे इंजन की तरफ मैं आ गया, ताकि मैं आपको स्थिति दिखा सकूं। सब जगह वही हालत है, सब जगह देखिए। गाड़ी का सिग्नल हो गया है और गाड़ी अब डिपार्चर लेने वाली है। हालत ऐसी है कि जो उतर गया है एक बार चढ़ने के लिए भी सोचना पड़ रहा है उसको, और यहाँ तो गेट ही बंद कर दिया गया है ताकि कोई घुसे ही नहीं।